हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी सारे व्यूवर्स को प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे जो नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जो ये हमारे चेंज एडेप्टर सेटिंग है, इसमें जो भी एडेप्टर हैं वो शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारे में फिलहाल ये शो रहे हैं। तो काफ़ी व्यूवर्स के सिस्टम में यहाँ पर किसी भी तरह के एडेप्टर यहाँ पर शो नहीं हो रहे, तो इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मेरे सिस्टम में यहाँ पर सभी जो नेटवर्क आइकन हैं, नेटवर्क एडेप्टर हैं, वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो बाय द वे, अगर आपके में शो नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले मैं इनको देखिए हटा के दिखाता हूँ कि ये किस वजह से यहाँ पर यहाँ से हट जाते हैं, कैसे डिलीट हो जाते हैं। तो मैं माय कंप्यूटर जाकर मैनेज सेक्शन को ओपन करता हूँ, यहाँ पर डिवाइस मैनेजर को मैं ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नेटवर्क एडेप्टर्स, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारे जितने भी यहाँ पर एडेप्टर हैं, देखिए यहाँ पर वो यहाँ पर सो रहे हैं, देखिए तीन है और यहाँ पर भी हमें तीन सो रहे हैं। तो मैं इनको देखिए यहाँ से अनइंस्टॉल कर देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने एक अनइंस्टॉल किया तो यहाँ से एक हट चुका है, दूसरे को मैं अनइंस्टॉल करता हूँ और तीसरे को भी मैं यहाँ से मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए जैसे मैंने यहाँ से अपने जो ड्राइवर हैं उनको अनइंस्टॉल किया, तो यहाँ से देखिए जितने भी एडेप्टर थे, आइकन थे, वो यहाँ पर से हट चुके हैं, यानी कि इनका जो सॉफ्टवेयर है उनको मैंने डिलीट कर दिया, तो यहाँ से जो आइकन थे वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। देखिए, मैं एक बार फिर से वापस से जाकर दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए किसी तरह का आइकन शो नहीं हो रहा है। और यहाँ पर मैं चेंज एडेप्टर सेटिंग को फिर से ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए किसी तरह का आइकन शो नहीं हो रहा है। मैं इसको एक बार क्लोज करके दोबारा से नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर को ओपन करके यहाँ से मैं फिर से दिखाता हूँ। देखिए, आपके में, आपके सिस्टम में कुछ इसी तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा, पूरा का पूरा ब्लैंक शो हो रहा होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये सिर्फ एक ही प्रॉब्लम की वजह से होता है, वो है ड्राइवर। आपके सिस्टम में चलते चलते कोई भी ड्राइवर अनइंस्टॉल हो जाता है ऑटोमेटिक, तो जो ड्राइवर अनइंस्टॉल हुआ है उसकी वजह से ही प्रॉब्लम आती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे हमें ऑप्शन हो रहे हैं, तो किसी भी एक ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस का ऑप्शन आता है, इस पर हमें एक बार क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये स्कैनिंग करना शुरू कर देगा और यहाँ पर जितने भी हमारे एडेप्टर थे जो अनइंस्टॉल हो गए थे ड्राइवर, उनको ये इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। देखिए, जैसे यहाँ से ये स्कैन करके इंस्टॉल किया, तो यहाँ पर देखिए हमारे जितने भी एडेप्टर थे वो यहाँ पर शो हो गए हैं, और नीचे आप देख सकते हैं वाईफाई आइकन भी शो हो गया है। तो इस तरह से हम अपने सिस्टम में चेंज एडेप्टर सेटिंग में अगर ब्लैंक शो हो रहा है, चेंज एडेप्टर सेटिंग में कोई भी एडेप्टर शो नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं, उन्हें वापस से ला सकते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही सलूशन है, ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना है। ड्राइवर इंस्टॉल होते ही सारे एडेप्टर हैं वो ऑटोमेटिक शो होना शुरू हो जाएंगे। सो आई होप अब आप जान गए होंगे इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।